नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने भारत का इतिहास, भूगोल, भविष्य को बदल दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का झुंड जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स एंड द वर्ल्ड स्लिप्ड, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बज गए और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8,15,00,000 लोग एक ही रात में गवा दिए थे। देश दो टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक ओर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके, इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती स्थिति को देखकर अंग्रेज भारत को हो सके उतना जल्दी स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं लेकिन दो टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ और अशुभ को नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन का मानना था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल्स 2 सितंबर को हुए थे, लेकिन बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों तय किया गया था? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अपने आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज़ादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा था, बल्कि आज़ाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज अफसर ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताजुब की बात ये है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बन के आए हों, उस तरह से उनको विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली,
तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजों के साथ बजाया गया। आज़ादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइंट का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ, क्लासी का युद्ध और 190 साल की प्रतंत्रता, फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव के सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा, फिर वो अतिथि वाक्य बेतुल्य हो या लूटने आया हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपने देश की इस स्वतंत्रता की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है, और वीडियो को जितने हो सके उतने लाइक और कमेंट दीजिए। और अगर आप नए हों तो ओनली फैट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।